पुनर्जन्म, ये सुनते ही लोग सोचते हैं कि बहुत ही गहरा और रहस्यों से भरा हुआ सब्जेक्ट है। क्या इस जन्म में अगर आप अपने पुनर्जन्म को देखना चाहे तो देख सकते हैं? हालांकि इस जन्म में हम जिस दिमाग का यूज़ करते उसमें पुनर्जन्म की यादें नहीं होती, लेकिन हमारा मन जो कि आत्मा का एक भाग है उसमें सिर्फ इस पुनर्जन्म की ही नहीं बल्कि सारे जन्मों का रिकॉर्ड होता है, जिसे हम अवचेतन मन भी कहते हैं। हालांकि ये यादें किसी न किसी वजह से बाहर नहीं आ पाती है। इनकार्नेशन प्रूफ के बारे में तो सुना ही होगा, फिर भी मैं बता देता हूँ। ये प्रूफ इंडिया में मिला था, जिसमें शांति देवी नामक स्त्री को अपने पुनर्जन्म के बारे में सब कुछ पता था, और ये सच्ची घटना है। इस घटना की पूरी जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में वीडियो की लिंक दी है, जाके देख सकते हैं। स्पिरिचुअलिटी का भी यही कहना है कि इंसान के मरने के बाद आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, लेकिन रीइनकार्नेशन यानी कि पुनर्जन्म को मेडिकल साइंस हमेशा से नकारती आई है। लेकिन मनोविज्ञान की एक शाखा पैरानॉर्मल फिजियोलॉजिस्ट के अनुसार पुनर्जन्म को देखा जा सकता है। हिप्नोसिस में एक ऐसी तकनीक है जिसे आप अपना पुनर्जन्म देख सकते हैं, जिसको मनोविज्ञान PLR बोलते हैं, पास्ट लाइफ रिग्रेशन। हिप्नोसिस को दूसरी तरफ ट्रांस स्टेट के रूप में भी जाना जाता है। इस तकनीक में आपको गहरी नींद में ले जाया जाएगा, लेकिन इसमें फर्क इतना होगा कि आपका कॉन्शियस माइंड ही नींद में होगा, सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होगा। क्योंकि हम जब रात को सोते तब एक या दो घंटे के लिए हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है, और उतने टाइम में ही हमारी पूरी बॉडी फ्रेश हो जाती है। इसीलिए नींद में जाने के बाद सबकॉन्शियस माइंड के पास पहुंचना आसान हो जाता है। वैसे एक तरह से देखा जाए तो आप जागृत अवस्था में ही होते हो, लेकिन फर्क इतना होता है कि तब आपको पता नहीं होता, जैसे कि एक सपना। लेकिन ये तकनीक काम कैसे करती है? मान लो अगर आपकी आयु 25 साल है तो आप सीधे पुनर्जन्म में नहीं चले जाएंगे ना, ऐसा नहीं होगा। अगर आयु 25 साल है तो धीरे धीरे 20 साल, 15 साल, 10 साल, 5 साल, ऐसे धीरे धीरे पीछे ले जाया जाएगा। आपको लगेगा कि आप सपना देख रहे हो। कई बार मेरे साथ भी डेजावू के तहत ऐसा हुआ है। आपके साथ हुआ है कि नहीं हुआ है वो मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे साथ हुआ है। मुझे ऐसा लगता था कि पहले भी मैंने इस इंसान को या इस जगह को मैंने देखा हुआ है। लेकिन इस तकनीक में खतरा बहुत है। अगर पास्ट लाइफ रिग्रेशन यूज़ करते समय कोई भी चूक हो गई तो वो इंसान इस जन्म की सारी यादें भूल जाएगा, या फिर ये भी हो सकता है कि वो गहरी नींद में चला जाए हमेशा हमेशा के लिए। क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड की गहन शक्ति बहुत पावरफुल होती है, और भूल से भी कुछ गलत बोल दिया गया तो समझो वो तो गया। इसमें एक और तकनीक है कैथासिस, जिसकी मदद से अभी की सारी प्रॉब्लम से छुटकारा पाया जा सकता है। PLR की मदद से सिर्फ पुनर्जन्म ही नहीं, लेकिन पुनर्जन्म से जुड़ी हुई सारी प्रॉब्लम जो अभी के जन्म में परेशान कर रही हो उससे भी छुटकारा पाया जा सकता है। जैसे कि अचानक डर लगता हो, कोई मानसिक बीमारी हो, कोई पानी से डरता है, कोई आग से डरता है। प्रॉब्लम को जानने के लिए साइकेट्रिक्स अक्सर इसका इस्तेमाल करते हैं। क्या आपके साथ भी कभी ऐसा होता है या पहले कभी ऐसा हुआ है? नीचे कमेंट में जरूर बताना। वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, और शेयर करना तो बनता है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मेडिकल साइंस के बारे में नॉलेज मिल सके। अब इतना कर रहे हो तो सब्सक्राइब भी कर देना, और सब्सक्राइब करने के बाद वो बाजू वाली घंटी होगी वो ज़रूर दबानी है, नहीं तो ढूंढते रह जाओगे। मैं मिलता हूँ ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।